आर्यभट्ट ने जब जीरो की खोज की तब तक उसको अंकों के रूप में नहीं लिखा जाता था, शब्दों के रूप में ही जीरो का अस्तित्व था। उन्होंने जब जीरो का आकार बनाया तो उसके आकार में बहुत बड़ा रहस्य छुपा दिया। वह पूरी तरह से गोल है, अर्थात ये जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर आकर खत्म भी हो जाता है। शून्य का तात्पर्य आप कितना ही प्रयास कर लो, अंत में आप उसी स्थान पर आ जाओगे। लेकिन उसका महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। यदि किसी अंक के पीछे लगा दो तो उसके गुना बढ़ता ही जाएगा। एक के पीछे लगा दो तो वो 10 गुना, एक के 2 शून्य लगा दो तो वो 100 गुना हो जाता है। इस प्रकार उसका अस्तित्व भी है और नहीं भी है। शून्य के ऊपर ही कितने ही शास्त्र रचे जा सकते हैं, परंतु जब आर्यभट्ट ने इसकी खोज की तब खगोल शास्त्र की उन्नति अनंत गुना बढ़ गई थी। और आज हम जब दूसरे ग्रहों पर जाने लगे हैं तो यह उन्हीं के प्रयास हैं, उन्हीं के सत प्रयास हैं कि हम शून्य के द्वारा कई प्रकार की खोजें कर पाए हैं। शून्य अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब वह किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति को अनंत गुना तक बढ़ाता ही जाता है। यह शक्ति ही गुरुत्वाकर्षण है। शून्य में कोई पिंड अपना स्थान बनाता है तो वह कुछ हटाता है, वह शून्य को हटाता है। और शून्य को हटाना अर्थात चारों तरफ से शून्य की शक्ति का प्रभाव उपस्थित होना। कोई पिंड ब्रह्मांड में अपनी जगह बनाता है तो वह शून्य को हटाकर चारों ओर जो बल पैदा करता है वही गुरुत्वाकर्षण है। शून्य के बारे में भविष्य में और जानेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।